दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो 45,000 रुपीस की प्राइस रेंज में आते हैं। देखो, फिलहाल आपको 45,000 रुपीस में इंटेल की 13 जनरेशन और राइजन 7,000 सीरीज के लैपटॉप्स मिल रहे हैं, जो AMD की 5,000 सीरीज और इंटेल की 11 जनरेशन प्रोसेसर से काफी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे लैपटॉप्स बताऊंगा जो परफॉर्मेंस के मामले में जबरदस्त है, जिनमें आप 4K एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिसेंट लेवल की गेमिंग, सभी प्रोडक्टिविटी टास्क, वेब डेवलपिंग और हाई लेवल की मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इन सभी लैपटॉप्स के प्रोसेसर को सेम प्राइस में आने वाले बाकी लैपटॉप से कंपेयर करके बताऊंगा, तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप सेलेक्ट कर पाओगे। उसी के साथ देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग अपना बजट 48,000 तक इंक्रीज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए Honor MagicBook X14 सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें आपको इंटेल की 12 जनरेशन का i5-12450H 8 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला एक पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, जो नॉर्मली 70,000 रुपीस के लैपटॉप्स में यूज होता है। यह गेमिंग और हाईली प्रोडक्टिविटी काम करने के लिए कैपेबल प्रोसेसर है। इसके अलावा इसमें आपको फुल्ली मेटल बिल्ड, IPS LCD डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलेट कीबोर्ड और USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, तो एक परफेक्ट फीचर रिच लैपटॉप है। इसकी प्राइस 48-49,000 तक फ्लक्चुएट होती रहती है, बट कार्ड ऑफर के साथ आपको या और भी कम प्राइस में मिल सकता है। इसमें आपके सभी हाई एंड टास्क इजीली हो जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है Lenovo IdeaPad Slim 3। दोस्तों, ये लैपटॉप उन लोगों के लिए सही रहेगा जिनका बजट कम है, यानी 40-41,000 के आसपास है। अगर सेम प्राइस में इसका अल्टरनेटिव लैपटॉप चाहते हैं तो Dell 3420 भी आपको सेम प्रोसेसर के साथ मिलेगा। इस लिस्ट में सिर्फ Lenovo IdeaPad Slim 3 में आपको 2 ईयर्स की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है, बाकी सभी लैपटॉप्स में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। साथ ही 3 मंथ्स का गेमिंग पास भी इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा। यह था 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर TN पैनल, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसमें इंटेल i3-1250 न्यू 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर और इंटेल अल्ट्रा एचडी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके सिंगल कोर और मल्टी कोर की परफॉर्मेंस राइजन 3 5300U से ऑलमोस्ट डबल और इंटेल i5-1135G7 से भी 30% ज्यादा देखने को मिलती है, तो परफॉर्मेंस में इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। इसके अलावा 3200 MHz 8GB DDR4 रैम, 512GB की SSD, रैम को 16GB और स्टोरेज को 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, 1.5W के ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो, HD वेबकैम, मल्टी जेस्चर टचपैड और 2 ईयर्स की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, USB Type-C पोर्ट, एक USB 3.1 पोर्ट और USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 45 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जिसमें लगभग 4-5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। इसकी प्राइस 41,000 रुपीज है, जो कार्ड ऑफर में आपको 40,000 के भी अंदर मिल सकता है। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर ट्रेडिंग वगैरह के लिए एक बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आग बंद करके इसे परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है HP 15S। दोस्तों, HP की तरफ से आने वाला उनकी लेटेस्ट सीरीज का एक मोस्ट सेलिंग और पॉपुलर लैपटॉप है। बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स इसमें आपको बेटर मिलेंगे, साथ ही बिल्ट इन एलेक्सा और सभी लेटेस्ट कनेक्टिविटी पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये Ryzen 5 5500U ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप मीडियम सेटिंग्स पर अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट को 48,000 तक इंक्रीज कर सकते हो तो HP 15-1315U इस 13 जनरेशन प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स के साथ भी जा सकते हो, परफॉर्मेंस इसमें आपको थोड़ी बेटर मिलेगी। बट फिलहाल हम बात करते हैं HP 15S की। यह था 15.6 इंचेस की फुल HD VA पैनल, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसमें Ryzen 5 5600U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर और AMD Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेंगे। इसकी परफॉर्मेंस इंटेल i3-1215U से बेटर मिलेगी, साथ ही DirectX 12.1 अनलेबल ग्राफिक्स है, तो GTA 5 जैसे गेम्स मीडियम सेटिंग्स पर 30-40 FPS पर खेल सकते हैं। इसके अलावा 3200 MHz 8GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD, रैम को 16GB और स्टोरेज को 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, बिल्ट इन एलेक्सा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, मल्टी जेस्चर टचपैड, HD वेबकैम और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, USB Type-C पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें 41 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 4-5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा। फिलहाल इसकी प्राइस 44,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल रही है, जो इस प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। देखो, अगर आप थोड़े बहुत मॉडरेट टास्क के साथ बेसिक ग्राफिक इंटेंसिव टास्क भी करना चाहते हैं
तो डेफिनेटली ये आपके लिए सही रहेगा। वैसे इसकी बिलिंग डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Asus VivoBook 15 2023 एडिशन। देखो 45,000 रुपीज में आपको इंटेल की 13 जनरेशन का i3-1315U प्रोसेसर मिल रहा है, जो i5-1235U के सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जो नॉर्मली 55-60,000 के लैपटॉप्स में यूज होने वाला प्रोसेसर है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इसमें आपको बेटर मिलेगी। वैसे इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और एक में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा। तो अपने हिसाब से इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। यह था 15.6 इंचेस की फुल एचडी वीए पैनल, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% एनटीएससी कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसमें 13 जनरेशन इंटेल i3-1315U 64 वाला प्रोसेसर, इंटेल आई 3 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 3200 8GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD, रैम को 16GB और स्टोरेज को 2GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन, मल्टी जेस्चर टचपैड, एचडी वेबकैम, प्राइवेसी कैमरा शटर और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, एक USB 3.2 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 42 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जिसमें लगभग 4 टू 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल सकता है। फिलहाल इसकी प्राइस 46,000 रुपीज है, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 45,000 के अंदर इजीली मिल जाएगा। दोस्तों ये उन लोगों के लिए सही रहेगा जो एक स्लिम, स्टाइलिश और पावरफुल लैपटॉप प्रोडक्टिविटी टास्क जैसे प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए एक डिसेंट लैपटॉप चाहते हैं। वैसे इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे आप डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है MSI Modern 15। दोस्तों ये Ryzen की 7000 सीरीज का एक पावरफुल लैपटॉप है। इसमें आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड बिल्ड, लेटेस्ट कनेक्टिविटी पोर्ट्स, बैकलाइट कीबोर्ड और IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर प्रोडक्टिविटी टास्क ज्यादा करते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। यह था 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS लेवल डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसमें Ryzen 5 7530U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर और AMD Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेंगे। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस इंटेल i3-1315U से भी थोड़ी बेटर मिलेगी, साथ ही GTA 5 जैसे गेम्स मीडियम सेटिंग्स पर 40-50 पर इजीली खेल सकते हैं। उसी के साथ 3200 8GB DDR4 रैम, 512GB के NVMe M.2 SSD, रैम को 16GB और स्टोरेज को 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकलाइट कीबोर्ड, मल्टी जेस्चर टचपैड, HD वेबकैम और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, SD कार्ड रीडर, एक USB 3.2 पोर्ट और दो USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 40 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जिसमें लगभग 4 टू 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल सकता है। फिलहाल इसकी प्राइस 47,000 रुपीज है, जिसे कार्ड ऑफर के साथ आप 45,000 तक भी परचेस कर सकते हो। सिर्फ इसमें आपको MS Office का लाइसेंस वर्जन नहीं मिलेगा, इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स टॉप नॉच मिलते हैं। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है Asus VivoBook 15। दोस्तों अभी तक जो भी लैपटॉप्स देखे हैं वो सभी U सीरीज प्रोसेसर के साथ आने वाले लैपटॉप्स थे, बट इसमें इंटेल की 12 जनरेशन P सीरीज का एक पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। नॉर्मली P सीरीज के प्रोसेसर U सीरीज के प्रोसेसर से ज्यादा प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग करने के लिए बने होते हैं, तो इसमें भी आपको इन सभी से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। ये सिर्फ 43,000 रुपीज में आता है। इसके अलावा बिल्ट इन एलेक्सा, फिंगरप्रिंट सेंसर, TUV सर्टिफिकेशन और कैमरा शटर जैसे यूनिक फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। यह था 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर VA पैनल, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट, TUV सर्टिफिकेशन और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल i3-1220p 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर और इंटेल i3-6 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। इसकी परफॉर्मेंस Ryzen 5 5500U से ऑलमोस्ट 35% बेटर देखने को मिलती है, साथ ही इंटेल i5-1235U के सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जो एक 12 जनरेशन का i5 प्रोसेसर है। उसी के साथ 3200 8GB DDR4 रैम, 512GB के NVMe M.2 SSD, रैम को 16GB और स्टोरेज को 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, फिंगरप्रिंट सेंसर, HD वेबकैम, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, मल्टी जेस्चर टचपैड, कैमरा शटर और 1 ईयर की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, दो USB 3.2 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलते हैं। इसमें 42 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, जिसमें 4 टू 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल सकता है। इसकी प्राइस सिर्फ 43,000 रुपीज है, जो इस प्राइस में वर्थ इट लैपटॉप है। अगर आप परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो अंडर 45,000 रुपीज में आपको इससे बेटर लैपटॉप नहीं मिलेगा।
और मेरे तरफ से भी आपको हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप रहेगा। वैसे इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो 45,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।